Care and Career School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhra, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. Bana. आज आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम के संदर्भ में अपना समर्थन देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने। ये शायद महादेव की इच्छा थी कि वर्षों से जो विषय ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से समाज और राष्ट्र के सामने प्रश्न चिन्ह बनकर उभरे, उनका जवाब बनना काशी के सांसद के ही नसीब में था। और इसीलिए आज इस पुण्य धरती से मैं देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती हूं कि उन बेटियों के संरक्षण में नागरिकता संशोधन अधिनियम हिंदुस्तान की हकीकत बना है, जिनकी चीखें वर्षों वर्ष तक कांग्रेस और उनके समर्थक दलों ने कभी नहीं सुनी है। मैं अगर इतिहास के पन्ने पलटूं तो यह ध्यान में आता है कि साल 1947 में जब देश का विभाजन कर रहे थे अंग्रेज, तो वो मात्र एक ही बिंदु लेकर चल उठे कि अगर हिंदुस्तान को विश्व के अस्तित्व से मिटाना है तो विभाजन धर्म के आधार पर करो, गोरों की सीख को कांग्रेस पार्टी ने अपना संस्कार मान लिया। और वो लोग जो आज दुहाई देते हैं संविधान की, वो लोग जो आजकल तमाशा करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम की आड़ में, उन्हें 72 साल बाद भी ये जवाब देना भारी पड़ता है कि जब देश आजाद हुआ तो धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा तुम्हारी पार्टी ने क्यों स्वीकार किया। यह लालच था कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के एक सदस्य को देश का प्रधानमंत्री बनाना था, वरना पूछे कोई उससे जो मातृभूमि को मां मानता है, कि अगर कोई बाहरी आकर तुमसे कहे कि तुम्हारी मां के दो टुकड़े करना चाहते हैं हम, कौन बेटा बेटी है इस देश में जो अपने मां के टुकड़ों को स्वीकार करेगा। कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर विभाजन को स्वीकार किया, राष्ट्रहित में नहीं, आन ने भी इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया कि अल्पसंख्यक हिंदुस्तान में सुरक्षित रहेंगे। आज एक भारत के नागरिक होने Scholars Valley, a home of education. Play group to class 8, call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. लेकिन नाते मुझे इस बात का गर्व है कि हिंदुस्तान में भले ही 1950 के आंकड़े कहते हैं कि अल्पसंख्यक 9% तक था, लेकिन 2012 के सेंसस के हिसाब से वो संख्या 14% के पार चली गई। इसका मतलब हिंदुस्तान की जनता ने जो वचन विश्व को दिया, उस वचन पर हिंदुस्तान का नागरिक खरा उतरा। और उस तरफ पाकिस्तान में 1947 में हिंदू सिख जैन बौद्ध धर्म के, पारसी धर्म के, ईसाई धर्म के लोग 23% के थे, घटते घटते उनकी संख्या 3% रह गई और कांग्रेस के कान पर जू तक नहीं रेंगे। कितनी बेटियां ऐसी थी पाकिस्तान में जिनका पाप मात्र इतना कि उन्होंने हिंदू धर्म में जन्म लिया, उनको जबरन उनके घरों से उठाया गया, जबरन उनका धर्म परिवर्तित किया गया, जबरन उनका
बिहार रचाया गया और तब कांग्रेस सरकार ऐसी बेटियों के समर्थन में कुछ इस पार्टी है। और दोगले बोल इनके राजनीतिक संस्कार का एक परम अंग बन चुका है। जो आते हैं पर्यटक के नाते बनारस में अपनी राजनीति करने, उनसे पूछना चाहती हूं कि साल 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उन हिंदुओं को नागरिकता देने का कानून पारित किया था जो 1965 और 71 के युद्ध के बाद गुजरात और राजस्थान में बसना चाहते थे। तब मनमोहन सिंह जी ने खड़े होकर राज्यसभा में कहा कि हिंदुओं का भी संरक्षण होना चाहिए। मनमोहन सिंह उसके पक्ष में थे। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी जी के इसके कानून को यूपीए की सरकार में साल 2005 साल 2006 में आगे बढ़ाया। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसके वर्तमान के राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 बार निवेदन करते रहे कि नागरिकता होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही गांधी खानदान ने बिगुल बजाया कि मोदी ने यह कानून कर दिखाया लाकर उसका विरोध करना है, तो अचानक हिंदू विरोधी स्वर ये सब नेता बोलने लगे। हिंदू तब प्यारा था, अब प्यारा नहीं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में क्या अराजकता फैलाई उसके संदर्भ में हमारे मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की है, और आज उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूं। इसलिए आज आप सब जो यहां उपस्थित हुए हैं उनसे मेरा सविनय निवेदन है कि कांग्रेस के दुष्प्रचार में, कांग्रेस की राजनीतिक करतूतों में जो भ्रम फैलाने का दुस्साहस कांग्रेस पार्टी कर रही है, उस भ्रम को तोड़ने में और सच को उजागर करने में आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संग जुड़े, संविधान और राष्ट्रहित में नागरिकता संशोधन अधिनियम के संदर्भ में घर घर जाकर राष्ट्रीय एकता का और मानवता का संदेश देने में हमारी मदद करें। आज जब काशी आए हूं तो मालवीय जी का स्मरण करना काशी का एक संस्कार है। धन्य है हम सब कि देश की राजनीति में भले ही वर्षों वर्ष कांग्रेस पार्टी ने मालवीय जी को अनदेखा। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी। कर दिया, लेकिन बनारस के सांसद के भाग्य में था कि भारत रत्न से उनको सुशोभित करके बनारस के राष्ट्र की उन्होंने गरिमा बढ़ाई। एक तरफ मालवीय जी का सम्मान करना, दूसरी ओर अंबेडकर जी के नाम से पुण्य तीर्थों का निर्माण करवाना, मात्र राष्ट्र में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनके सम्मान को बढ़ाना। भारतीय जनता पार्टी नित सरकारों ने ऐसे सुनहरे उदाहरण भारत की राजनीति के सामने प्रस्तुत किए। और दूसरी ओर जब कांग्रेस महाराष्ट्र में सत्ता में आई तो वीर सावरकर को भद्दी गालियां देते हुए कांग्रेस के सेवा दल ने एक पुस्तिका को प्रकाशित किया। ये वो वीर सावरकर है जिन्होंने अंडमान की जेल में अंग्रेजों से लाठियां खाई, बेत उनकी पीठ पर चलाए गए, कोल्हू के बैल के साथ उन्हें बांधा गया, हाथ में हथकड़ी लगाकर दिनों दिन उन्हें खड़ा रखा गया, ना पानी दिया गया ना खाने को कुछ दिया गया। ऐसे महान राष्ट्र संत को
स्वतंत्रता सेनानी को कांग्रेस पार्टी ने लज्जित करने का दुस्साहस किया, और वो व्यक्ति जिसको अमेठी की जनता ने भगाया है, वो व्यक्ति दिल्ली में जाकर कहता है मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं राहुल सावरकर नहीं हूं। मैं आज राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, तुम्हारी 10 पुश्तें आकर भी खत्म हो जाए तो सावरकर जैसा साहस तुम में नहीं हो पाएगा कभी। जनता से, कार्यकर्ता से आह्वान करने आई हूं, आपने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया तो नरेंद्र मोदी प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी परिवारों को संरक्षित हिंदुस्तान में कर सके। आपने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया 23 साल से त्रिपुरा में बसे हुए ब्रू संप्रदाय के 34,000 नागरिकों को पहली बार उनका अधिकार अगर मिला तो नरेंद्र मोदी की वजह से मिला। आपने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया इसीलिए धारा 370 जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था उसे हटाने का पुण्य काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। यूं ही आपका आशीर्वाद बना रहे, राष्ट्रहित में सदैव हम कार्यरत रहें। आज जनता जनार्दन से यही आशीर्वाद मांगते हुए, बाबा के चरणों में नमन करते हुए, शीश झुकाते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की जय।